दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2021 में लॉन्च होने वाली कारों के बारे में। ये वीडियो बताई गई लॉन्च एक्सपेक्टेड डेट के बारे में है। अगर भारत में आगे चलकर और लॉकडाउन लगता है तो इन लॉन्चों को पोस्टपोन भी किया जा सकता है। सबसे पहले बात करें सातवें नंबर पर, तो ये आती है फोक्सवैगन की तरफ से टाइगन 2021। इस कार का फेसलिफ्ट 2 मई 2021 को लॉन्च किया जा सकता है। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 28 लाख रुपए के आसपास होगी। नंबर 6 पर बात करें तो ये आती है हुंडई की तरफ से हुंडई एल्काज़र। इस कार को अप्रैल महीने में लॉन्च किया जाना था, पर भारत में चलते कई राज्यों में लॉकडाउन होने की वजह से इस कार को पोस्टपोन कर दिया गया। अब यह कार 5 मई को लॉन्च होने की संभावना है। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस 13 लाख रुपए के आसपास होगी। नंबर 5 की बात करें तो ये आती है BMW की तरफ से BMW 5 सीरीज 2021 फेसलिफ्ट, जो कि 10 मई को लॉन्च हो सकती है। इस कार की एक्सपेक्टेड प्राइस 57 लाख रुपए के आसपास होगी। नंबर 4 पर बात करते हैं तो ये आती है टाटा मोटर्स की तरफ से टाटा अल्ट्रोज XM प्लस डीजल। यह एक नया मॉडल होगा। यह 15 मई को भारत में लॉन्च की जा सकती है। इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस की बात करें तो लगभग 8 से 9 लाख रुपए के आसपास होगी। नंबर 3 पर बात करें तो ये आती है फोर्स मोटर्स की तरफ से फोर्स मोटर्स गुरखा। इस कार के फेसलिफ्ट को 15 मई के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। इसके एक्सपेक्टेड प्राइस लगभग 10 लाख रुपए के आसपास होगी। नंबर 2 पर बात करें तो ये आती है मर्सिडीज बेंज एस क्लास 2021 फेसलिफ्ट। यह कार 20 मई के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइस लगभग 2.5 करोड़ के आसपास हो सकती है। नंबर 1 पर बात करें तो ये आती है रेंज रोवर डिफेंडर 5 डोर हाइब्रिड एक्स। यह कार 25 मई के आसपास लॉन्च हो सकती है। इसकी प्राइस की बात करें तो यह लगभग 1.5 करोड़ के आसपास होगी।